करेंगे कि हायर के डीसी इन्वर्टर जो पर्ल इन्वर्टर या मार्बल इन्वर्टर हैं उनको सेल्फ क्लीन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एसी को स्विच ऑफ कर लेंगे। हमने डीसी इन्वर्टर को ऑफ कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ सेल्फ क्लीनिंग का बटन दबा देंगे। जैसे हमने क्लीनिंग का बटन दबाया, रिमोट के ऊपर भी सीएल क्लीनिंग लिखा हुआ आ गया और एसी के ऊपर भी क्लीनिंग डिस्प्ले हो रहा है सीएल। तो अब इसने अपना ये प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब हम इसके फिल्टर उतार लेंगे और इसे खोल के आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये सेल्फ क्लीनिंग करता है। अब आप देखेंगे कि सेल्फ क्लीनिंग के दौरान क्या प्रोसेस होता है। अब हुआ क्या कि ये क्लीनिंग पे है और इसका फैन रुक चुका है और जो इसका इंडोर यूनिट जो फिन जैन के ऊपर बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। अभी ये ठंडी हो रही है, अभी आप देखेंगे कि इनके ऊपर बर्फ जम जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बर्फ जमना शुरू हो गई है और फैन इसका भी बिल्कुल बंद है। अब देखें फिन्स के ऊपर बर्फ जम चुकी है। सेल्फ क्लीनिंग के दौरान होता ही है कि इसका आउटडोर यूनिट चल रहा होता है और इंडोर यूनिट में फैन बंद हो जाता है। फैन बंद होने से क्या होता है कि इसकी फिन्स के ऊपर बर्फ जम जाती है और अचानक जब फैन चलेगा सारी बर्फ जो है पानी की सूरत में निकल जाएगी। जो भी डस्ट वगैरह इसके ऊपर होगी वो सारी साफ हो जाएगी। अब बिल्कुल कंप्लीट बर्फ जम चुके है इसके सारे इंडोर यूनिट के ऊपर। ये कोई 10 से 12 मिनट का प्रोसेस होता है। अगर आप 10 से 15 दिन के अंदर करें तो इसके फिन्स के ऊपर जो भी डस्ट वगैरह होगी सारी पानी के साथ साफ हो जाया करेगी। इससे आपकी कूलिंग भी बढ़ेगी, एसी की लाइफ भी बढ़ेगी और आपको जो साल के बाद सर्विस करवाते हैं उसकी जरूरत भी नहीं रहेगी। इसके फिल्टर भी आप देख सकते हैं कि किस कदर इसके ऊपर डस्ट जमी हुई थी। इसके साथ हम फिल्टर भी इसके साफ करके इसके साथ लगा देंगे। 10 से 15 दिन बाद आप सेल्फ क्लीनिंग कर लें और इसके फिल्टर साफ कर लें तो आपकी कूलिंग बहुत बेहतर रहेगी।
अब देख सकते हैं जैसे इसका फैन चला सारी बर्फ पिघल के पानी बन के नीचे जा रही है। और इसका सारी फिन साफ हो रही है, इंडोर यूनिट बिल्कुल साफ हो जाएगा। अभी ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, इसका फैन चल गया है, सारी बर्फ जो है पानी बन रही है और सारी जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाएगी पानी के साथ, और हम इसके फिल्टर क्लीन करके लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसकी फिन्स किस तरह कदर चमक रही हैं, बिल्कुल साफ हो चुकी हैं, सारी डस्ट वगैरह निकल चुकी है इनमें से। अभी बहुत ही ठंडी हवा आ रही है इसके यूनिट से क्योंकि वो सारी अभी बर्फ पिघली है, फिन्स बहुत ठंडी हैं। अभी इसका आउटडोर यूनिट ऑफ हो चुका है और इंडोर और सिर्फ फैन चल रहा है, और ये जो पानी वगैरह है फिन्स के ऊपर इंडोर यूनिट के अंदर ये सारा खुश कर देगा फैन। जैसे ही क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा एसी आपका ऑफ हो जाएगा और रिमोट भी ऑफ हो जाएगा, जो ऑप्शन आ रही थी क्लीनिंग की भी खत्म हो गई है। तो आपने इस चीज का इंतजार करना है कि एसी खुद ही अपना प्रोसेस करके ऑफ हो जाए, उसके बाद आप चला सकते हैं इसी को।